नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने जिले में अराजक तत्वों, संदिग्धों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए सभी थाना, चौकी, SOG और यातायात प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, SSP के आदेशों के अनुपालना के क्रम में नैनीताल पुलिस लगातार जिले में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी राजेश यादव के नेतृत्व में कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास चेकिंग के दौरान एक युवक से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। बता दें, आरोपी की पहचान आकाश रस्तोगी निवासी हरिपुर शिवदत्त कॉलोनी पोस्ट अर्जुनपुर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना हल्द्वानी में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी चौकी मंडी उप निरीक्षक भुवन सिंह राणा, कांस्टेबल अरुण राठौर और कांस्टेबल ललित मेहरा शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।